हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी तीन बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ तीन बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में तीन बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर तीन महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नज़र आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। इस फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी तीन बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ तीन बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में तीन बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर तीन महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NBK, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म
टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। राम पोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद राम पोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ एनबी के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और राम पुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और एनबीके को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में लीड रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। राम पोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद राम पोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 अगस्त वाले
हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़े डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NBK, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़े डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है।
फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। इस फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरा के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। इस फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी
इस बार दशहरा पर तीन महारथियों के सिंघम नंद मुरली बालकृष्ण उर्फ एनबी के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और एनबी के को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नज़र आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी तीन बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ तीन बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में तीन बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर तीन महारथियों के सिंघम नंद मुरली बालकृष्ण उर्फ एनबी के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और एनबी के को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म
बायोपति रैंपो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैंपो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़े डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैंपो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैंपो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैंपो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NBK, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़े डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज
में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नज़र आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NBK, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NBK, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म
टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ एनबी के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और एनबीके को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन वी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं जिसमें सनी देओल की गदर 2,
अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NB के को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NB के को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज
रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ एनबी के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और एनबीके को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनके अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की ओएमजी 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ एनबी के, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपोतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी।
भगवत केसरी को अनिल रविपुरी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नज़र आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज़ होने जा रहे हैं जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NBK, रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुरी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नज़र आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। एम थम म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नज़र आएंगे। नीपू सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपोतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपोतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है।
फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम साउथ में भी 3 बड़ी फिल्में दशहरा के मौके पर क्रैश होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। हम 15 अगस्त वाले हफ्ते में यानी 11 अगस्त को सिनेमा घर में एक साथ 3 बड़े फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं, जिसमें सनी देओल की गदर 2, अक्षय कुमार की OMG 2 और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है। इस तरह एक दिन में 3 बड़े फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह का महामुकाबला साउथ इंडस्ट्री में भी दशहरा के मौके पर घमासान होने जा रहा है। तेलुगु सिनेमा में भी इस बार दशहरा पर 3 महारथियों के सिंघम नंदमुरली बालकृष्ण उर्फ NB के रवि तेजा उर्फ मास महाराजा और रामपुतनी की टक्कर देखने को मिलेंगी। भगवत केसरी को अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के टीजर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और NBK को पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में देखा जा सकता है। काजल अग्रवाल फिल्म में रील रोल में है और श्रीलीला भी हम किरदार में नजर आएंगी। अर्जुन रामपाल फिल्म में नेगेटिव रोल में है और यह उनका टॉलीवुड डेब्यू भी है। M. Tham म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का एक्शन भी वेंकट कोरियोग्राफी कर रहे हैं। भगवत केसरी दशहरा पर रिलीज होगी। टीजर से इशारा मिल जाता है कि इस फिल्म में जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी दशहरे के मौके पर ही रिलीज हो रही है। रवि तेजा यानी मास महाराजा के नाम से मशहूर एक्टर, इनकी अगली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव है जिसे वामसी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में जोरदार एक्शन रहने वाला है और रवि तेजा शानदार अंदाज में नजर आएंगे। नीपुर सेन और गायत्री भारद्वाज रवि तेजा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज हो रही है। रामपुतनी की फिल्म बायोपति रैम्पो, बायोपति श्रीनु और उस्ताद रामपुतनी की बहुप्रतीक्षित फिल्म बायोपति रैम्पो की पहली झलक ने ही सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचाई थी। फिल्म के लास्ट शेड्यूल की शूटिंग चल रही है और इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। बायोपति रैम्पो में एक्स थमन का म्यूजिक है। फिल्म में श्रीलीला रीड रोल में है। फिल्म हिंदी समेत सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 20 अक्टूबर दशहरा के मौके पर रिलीज होगी।